आधुनिक कैमरे से लैस नियंत्रण कक्ष का पुलिस अधीक्षक ने किया उद्घाटन। चतरा शहर के हर चौक चौराहे पर लगेगी कैमरा। शहरवासियों को मिलेगी हर अपराधियों से निजात, क्योंकि शहर की तीसरी आंख निगेबान चतरा शहर के TOP1 में बनाए गए नियंत्रण कक्ष। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि चतरा शहर क्षेत्र में CCTV से रखी जाएगी 24 घंटे निगरानी। अपराधी असामाजिक तत्व शहर के मनचलों पर CCTV कैमरा निगरानी करेगी। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में कुल 19 CCTV कैमरा लगाया गया है। CCTV के माध्यम से शहरी क्षेत्र में छोटे से बड़े घटनाओं पर अपराधी असामाजिक तत्वों पर रखी जाएगी 24 घंटे निगरानी रहेगी, जिससे चोरी एवं लूट की घटनाओं पर 100% लगाया जाएगा अंकुश। शहरी क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के अनुसंधान में पुलिस को मिलेगी मदद। ट्रैफिक नियमों के अनुपालन के लिए चतरा पुलिस के लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले हर व्यक्ति CCTV कैमरे में होंगे कैद। CCTV फुटेज के माध्यम से चिन्हित कर की जाएगी सख्त कार्रवाई। कानूनी तोड़ने वाले को अब खैर नहीं। और चतरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से आज चतरा पुलिस ने शहर नियंत्रण कक्ष का यहाँ पर उद्घाटन किया है। इसके तहत हम लोगों ने फर्स्ट फेज में चतरा शहर में कुल 19 CCTV कैमराज जगह जगह पर लगाए गए हैं, और जो व्यस्तम इलाका है शहर का उसको हम लोगों ने कवर करने का ट्राई किया है। यहाँ चतरा शहर के मध्य में स्थित POP1 में इसके लिए हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम बनाया है। कंट्रोल रूम में 24 घंटे पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी की तैनाती की जाएगी। हमारा ये उद्देश्य है कि इस कंट्रोल रूम के माध्यम से और CCTVs के माध्यम से हम लोग लगातार अपराध पर कंट्रोल पा सकें, और उसके साथ ही साथ बेटर ट्रैफिक कंट्रोल और जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, जैसे लड़कियों के साथ छेड़खानी, कुछ मनचले तत्वों के द्वारा जो हरकत की जाती है, उसके अलावा जो पॉकेट मारी छिनते इत्यादि घटना होती है, उन सभी घटनाओं को हम लोग कंट्रोल करने का इसके थ्रू ट्राई करेंगे। हम लोग इसको और आगे बढ़ाकर और कई जगहों पर कैमरा लगाएंगे। जो QR कोड हमारे 59 जगहों पर इंस्टॉल हुए हैं अभी तक, हम लोग ट्राई करेंगे कुछ पूरे एरिया को हम लोग CCTV के जद में लाएँ और सभी का कंट्रोल रूम यहीं POP1 में बनाया जाए।